अहमदनगर जिल्ह्यातून मक्का मदिना उमरा धार्मिक यात्रेला जाण्यासाठी मुस्लिम भाविक सज्ज झालेत। अहमदनगर शहर आणि जिल्ह्यातून मक्का मदिना उमरा धार्मिक यात्रेला जाण्यासाठी मुस्लिम भाविकांचे जत्थे सज्ज झाले असून या यात्रेत सहभागी होणाऱ्या भाविकांसाठी नगर शहरात प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात आले होते। तीन टप्प्यात मक्का मदिना उमरा यात्रेत रवाना होणाऱ्या भाविकांना धार्मिक विधी, स्थानिक शहराची माहिती आणि यात्रेबद्दल सविस्तर असे मार्गदर्शन करण्यात आले। मुकुंदनगर येथील इरिगेशन मस्जिद या ठिकाणी उम्मत इंटरनॅशनल हज उमरा सर्व्हिसच्या वतीने व्याख्यानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। तीन टप्प्यात 112 व्यक्ती मक्का मदिना उमरा यात्रेला जात आहे। या भाविकांना मौलाना शफीक कासमी यांनी उमराह करण्याच्या विधीबद्दल माहिती सांगितली। तर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील मुस्लिम भाविकांना तब्बल 2 वर्ष मक्का मदिना उमरा यात्रेला जाता आलं नाही, मात्र या धार्मिक यात्रा निर्बंध मुक्त झाल्यानं या धार्मिक यात्रेसाठी मुस्लिम भाविक मोठ्या संख्येनं सज्ज झालेत। या यात्रेसाठी मोठ्या संख्येनं भाविक जाण्याच्या तयारीत आहे। ग्रुपचे संचालक असलम शेख हे स्वतः या भाविकांसोबत या यात्रेत सहभागी होणार आहे। तर 2016 पासून उम्मत इंटरनॅशनल हज उमरा सर्व्हिसेस सेवा देत असल्याची माहिती कासमी यांनी यावेळी दिली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत इंटरनॅशनल टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम शुरू है और मैं खुद उसका ओनर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर जामकेड का है और अल्लाह का शुक्र है आज इरिगेशन मस्जिद के अंदर उमरा का कैंप हुआ, जिस कैंप के अंदर बताया गया कि उमरा किस तरीके से किया जाता है और उमरा के क्या अहकाम है, उमरा की क्या शरायत है, उमरा की सुन्नत है, सारी चीज़ें उनको बताई गई। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अक़दस के ऊपर सलाम कैसे अर्ज़ करना है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आज कैंप के अंदर बताई गई। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से उमरा का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मक्का मुकर्रमा में भी होटल नज़दीक है, मदीना मुनव्वरा में भी होटल नज़दीक है और अल्लाह का शुक्र है कि हर ग्रुप के साथ में जाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वहाँ पे बुलाता है, अल्लाह का एहसान। इस मरतबा 22 तारीख यानी परसों को एक ग्रुप जा रहा है और उसके बाद 26 दिसंबर को एक ग्रुप है जिसके अंदर 40 ज़ाहिरीन है और उसके बाद 5 जनवरी को 20 दिन का ग्रुप है जिसके अंदर 20 दिन का और 25 दिन का मिलकर 2 ग्रुप है, जिसके अंदर 20 दिन वाले में 40 ज़ाहिरीन है और 25 दिन में तकरीबन 15-20 हाजी। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि आज उम्मत हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का उमरा नशिस्त का यहाँ पर क्याम हुआ। ये जितने खुशनसीब लोग आप देख रहे हैं सब बैतुल्ला के सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं, उससे पहले आज इनको उमरा का तरीका, उमरा के फ़ज़ाइल, उमरा के अहकाम ये सारी चीज़ें बताकर उनकी एक ट्रेनिंग ली गई। बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। 2016 से ये हज उम्मत हज उमरा टूर्स जो है हाजियों की खिदमत कर रहा है, वहाँ पर हरम के इंतज़ाम भी उनके बहुत नज़दीक हैं, होटल भी बहुत करीब है। असलम भाई का पूरा ये एक ग्रुप काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। जो लोग उमरा जाकर आए हैं वो सारे वहाँ के फीडबैक आपको दे सकते हैं, आप उनसे सुन सकते हैं। ये लोग भी जा रहे हैं, आज का प्रोग्राम भी हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आज के प्रोग्राम को कबूल फरमाए और इसी तरह जो है उम्मत हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और जितने लोग अपने दिल में इरादे और ख्वाहिशात रखते हैं अल्लाह सबको बैतुल्ला पहुँचाए। इतना कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्रतिनिधि नीलेश आगरकर, न्यूज़ टुडे 24, अहमदनगर।